दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं ऑल इन वन सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों मैं हूं निजारी। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको पशुओं के अंदर किस तरीके से पता करें कि गाभिन है या नहीं। कुछ मैं आपको पहचान बताऊंगा आज। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं, ये जो गाढ़े रंग का, हल्के रंग का पीला गाढ़ा डिस्चार्ज जो है, सबसे बड़ी पहचान होती है गाभिन है पशु, तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है। और दोस्तों ये जो है डिस्चार्ज, इस तरह का डिस्चार्ज 1 महीने के बाद आता है, तो ये पहचान कर सकते हैं आप। दूसरा है आपका पशु गाभिन जो है, यदि पशु ठहर गया है आपका, फिर 21 दिन के बाद फिर से गर्मी में नहीं आएगा, तो ये भी बहुत बड़ी पहचान होती है कि पशु आपका गाभिन है। और दोस्तों अगली बात बताऊँ मैं आपको कि तीसरी बात कि पशु का जो डेवलपमेंट है, यानी कि पशु का जो बढ़वार है, उसके पेट है, उसकी जो सेहत है वो भी बढ़ने लगती है, और उसके बॉडी में जो है परिवर्तन आने लगते हैं, शरीर के अंदर शरीर फैलने लगता है, ये बहुत बड़ी पहचान है। और चौथी पहचान बताता हूँ मैं आपको, जो पशु का नीचे की जो पशु की नाभि होती है, टूंड होता है, वो जो है पहले लटका हुआ होता है, और पशु जब गाभिन हो जाता है तो फैलने लगता है, खिंचने लगता है, मतलब प्लेन हो जाता है, ठीक है जी। तो ये भी बहुत बड़ी पहचान है एक। और ये जो आप डिस्चार्ज देख रहे हैं, ये है गाभिन होने का डिस्चार्ज नहीं है, हीट कनेक्शन, यानी पशु आपका गाभिन नहीं ठहरा, ये पानी जैसा डिस्चार्ज जो है, इसका मतलब आपका रिपीट ब्रीडिंग में पशु आ गया है, तो पशु आपका फिर से गाभिन होना चाहता है, ये साइलेंट हीट होती है। तो इसे भी आप पशु को गाभिन ना ठहरा माने, यह जो है भ्रम है एक तरह का, पशु आपका गाभिन नहीं है। ये एक डिस्चार्ज दे सकते हैं आप, ये देखो ये डिस्चार्ज दे सकते हैं, इसका जो है ये सफ़ेद कलर का है डिस्चार्ज, तो ये जो है इन्फेक्शन कहलाता है, ये देख सकते हैं आप। ये सब इन्फेक्शन की पहचान होती है, पशु की पहचान होती है, हीट की पहचान होती है। ये जो देख रहे हैं आप तरल पदार्थ, तो ये जो सफ़ेद रंग का देख रहे हैं सामने गाय की पूंछ पर, ये है पूर्ण रूप से पशु के अंदर इन्फेक्शन है। तो ऐसे कारण जो है, पशु इन्फेक्शन के कारण जो है पशु गाभिन में नहीं होते हैं, तो ये पहचान नहीं है। केवल पीले रंग का डिस्चार्ज जो होता है वो पहचान होती है। ये देखिए ये भी पहचान नहीं है। ये जो फोटो आएगा अब, ये वाला जो है ये बिल्कुल प्योर गाभिन पशु की पहचान है। आप देख सकते हैं, एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप पहचान करेंगे। चलिए ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये डिस्चार्ज देख रहे हैं लाइव, तो ये गाढ़ा डिस्चार्ज जो है पशु के गाभिन होने की पहचान है। और अगली पहचान बताता हूँ, पशु के पेशाब के रास्ते के जस्ट नीचे दोनों टांगों के बीच में जो है सफ़ेद सफ़ेद जो है एक खार टाइप जम जाती है, वो भी पशु की गाभिन होने की पहचान होती है। ये जो आप दिख रहे हैं, ये गिरा हुआ है नीचे, तो ये भी पशु गाभिन नहीं होता है इसमें, ये सब इन्फेक्शन की समस्याएँ, तरह तरह के डिस्चार्ज जो हैं आ रहे हैं, तो ये गाभिन पशु की पहचान नहीं है। तो इसके लिए जो है आप इंट्रा यूटेराइन दवाई डलवाएं पशु के गर्भाशय के अंदर, बच्चेदानी के अंदर, और ये इन्फेक्शन की सब समस्याएं हैं जो वाइट कलर का दिख रहा है, तो इसमें सेप्टिको वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये सही हो जाएगा। नहीं तो आप हल्दी और सुहागा जो है यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच सुहागा और 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच हल्दी सुहागे को भून कर पीस कर हल्दी मिलाकर जो है दे दीजिएगा, तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो ये सामने जो देख रहे हैं आप गाभिन पशु की पहचान है, तो ये गाभिन पशु की पहचान है। इस प्रकार अपने पशु को जो है गाभिन चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो है कुछ तरह के प्रैक्टिकल दिखाए हैं कि गाभिन पशु कैसा होता है और क्या क्या उसके अंदर पहचान होती है, और पशु जो है सुस्त भी हो जाता है, जैसे पशु गाभिन ठहरता है सुस्त हो जाता है, और यदि पशु 4-5 महीने से ऊपर का गाभिन है, तो यदि वो जब वो पानी पीता है, तो पानी पीते टाइम जो है उसके पेट में जो है थोड़ी हलचल या गति देखी जा सकती है, बच्चे के चलने गति देखी जा सकती है, तो यह भी एक पहचान होती है कि पशु आपका गाभिन हो चुका है। और पशु आपका गाभिन होने के बाद 1 महीने तक किसी भी तरह का कोई भी तोड़ा कोई डिस्चार्ज नहीं गिरेगा, 1 महीने के बाद जो है हल्का पीले रंग का डिस्चार्ज जो है वो डालेगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो के माध्यम से और फोटो के माध्यम से। तो इससे आप यह है एक पहचान कर सकते हैं।
और पशु आपका गाभिन नहीं ठहर रहा है तो उसका उचित इलाज आपको करवाना चाहिए। इन्फेक्शन है तो दवाई छुड़वानी चाहिए या सेप्टिक को दवाई देनी चाहिए। हल्दी वाला सुहागा वाला फॉर्मूला आपको देना चाहिए जिससे पशु का इन्फेक्शन ठीक हो जाए। कोशिश करा करें किसी उसको सांड से क्रॉस ना कराएं, उसको जो है कृत्रिम गर्भाधान यानी कि AI कराएं, डॉक्टर से बीज दान कराएं, वो सबसे बढ़िया सेफ होता है। और कराने से पहले जो है आप किसी इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे गाइनरीज इंजेक्शन आता है और रिसेप्टाल आता है, ये इंजेक्शन आप जो है यूज कर सकते हैं AI के टाइम पर, गाभिन कराने के टाइम पे। और होम्योपैथिक की बात करें तो होम्योपैथिक के अंदर आपको जो है फर्टिगो नाम से दवाई मिल जाएगी, 1 cc आती है 30 ml की। तो जब भी आप गाभिन कराते हैं, गाभिन कराने से 15 मिनट पहले आधी cc पिला देनी है और 15 मिनट बाद कराने के आधी cc पिला देनी है, तो आपका पशु जो है गाभिन ठहर जाता है और फिर से जो है रिपीट ब्रीडिंग में नहीं आता है। और यदि पशु को इस तरह का जो स्क्रीन पे दिखाया गया है डिस्चार्ज आ रहा है तो ये है साइलेंट हीट है। साइलेंट हीट में जो है आपको पल्सेटिला 200 की 15 बूंदे और सिपिया 200 की 15 बूंदे 20 से 25 दिन तक देनी है, तो पशु आपका पुनः गर्भ में आ जाएगा और पशु आपका जो है गाभिन ठहरेगा गारंटी के साथ। और इन्फेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया है, सेफ्टी को यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा है। सुहागा यूज़ कर सकते हैं, सुहागा और हल्दी वाला फॉर्मूला वीडियो हमने पहले डाली हुई है तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपका पशु गाभिन भी ठहर जाएगा। और दोस्तों बहुत सारी पहचानें होती हैं, सही पहचान तो होती है बिल्कुल, और डॉक्टर के द्वारा जो है रेक्टल परीक्षण यानी कि हाथ डाल के जो टेस्ट करते हैं जिसको PD बोलते हैं यानी कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बोलते हैं। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बाद जो है 50 दिन के बाद जो है डॉक्टर से आप चेक करा सकते हैं, वो 100% जो है होता है। और एक मैं और बता दूं आपको, यदि 45 दिन से ऊपर आपका पशु गाभिन हो गया है तो आप हमारा सरसों के तेल वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप जो है पशु का पहले सुबह का पहला पेशाब ले सकते हैं और सरसों की बूंदें उसमें डाल सकते हैं, ये उसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं पशु गाभिन है या नहीं। सारी विधि उस वीडियो में बताई गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये बहुत सारी बातें बताई हैं कि पशु आपका गाभिन है, ठीक है जी। तो और एक पहचान और होते हैं, ट्रिजर सांड जो होते हैं जो बधिया होते हैं उनके द्वारा भी जो है पशु को चेक किया जाता है गाभिन है नहीं। जैसे ही वो उसके पास आगे सूंघता है तो वो पहचान लेता है कि पशु गाभिन है और जो है अलग हट जाता है बिल्कुल। तो वो भी बहुत बड़ी पहचान होती है अपनी डेयरी फार्म के अंदर। जो है आप एक ट्रिजर सांड भी रखें, बधिया सांड जो है वो रखें, तो वो उसको चेक करके आपको बता सकता है कि गाभिन है नहीं, वो सूंघ के अलग हट जाएगा, इसका मतलब जो है गाभिन है पशु। तो ये भी बहुत बड़ी पहचान है। तो दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा उस वीडियो को देखें और जो है वहां से टेस्ट कर सकते हैं। और ये पशुपालकों के लिए मैंने डेयरी संचालकों के लिए वीडियो बनाई थी, तो वीडियो के अंदर मैंने कम से कम 10-12 आपको पहचानें बताई हैं, तो ये आप काम कर सकते हैं। वो पशु आपका गाभिन नहीं ठहरता है तो फर्टिसूल के नाम से 21 दिन की कोर्स की दवाई आती है गोयलवेट की, तो फर्टिसूल का जो है एक पशु को कोर्स करा दें एक बार, फर्टिसूल के द्वारा ये पशु आपका गाभिन ठहर जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो फर्टिसूल का अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो मैंने इस वीडियो में आपको लगभग सभी तरह की दवाइयाँ और पहचान सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो इसमें जो है आप कुछ भी उपाय कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ कुछ भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कोई सवाल है तो कमेंट कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों को चैनल के बारे में बता सकते हैं जिससे दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों नई नई वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी का निशान जो है आप ज़रूर दबा दिया करें और अधिक से अधिक शेयर करें, व्हाट्सएप फेसबुक जो भी आप चलाते हैं। तो अगली वीडियो में जो है नस्लों के बारे में बनाऊंगा, जैसा कि मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ कि नस्लों की पहचान, कौन सी नस्ल की पशु है ये, क्या पहचान होती है, ये नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है तो इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों फिर अनुरोध करूँगा जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे सभी वीडियो उनको मिलती रहें। दोस्तों आपका वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, नई नई वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे।
और आपके मार्गदर्शन में जो है आपको जो है फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। कोई भी समस्या है तो आप मुझे जो है कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 9358355487, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, और हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ग्रुप ज्वाइन करने का जो है आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।